एक सहाबी कहते हैं मुझे एक आवाज आई, कोई कह रहा है या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीब आवाज में कोई पुकार रहा है, कोई अपनी जुबान में पुकार रहा है या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा हमने देखा एक हिरन हुजूर को पुकार रही है, एक हिरन हुजूर को पुकार रही है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद फरमाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब जाते हैं, देखते हैं वो हिरनी, उसे किसी ने बांधा हुआ है, उसे रस्सी से जकड़ा हुआ है। हिरनी कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका मेरी मदद फरमा दीजिए, मेरा ये मालिक है, इसने मुझे यहाँ बांधा हुआ है, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं, मैं जाना चाहती हूँ उस पहाड़ के पीछे, वो बच्चे हैं, मैं उन्हें दूध पिलाना चाहती हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका मेरी मदद फरमाइए, सिफारिश कर दीजिए, इस मालिक को बताइए चंद लम्हे दे दे, चंद सातें दे दे, मैं जाऊंगी दूध पिलाऊंगी, दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी, आपके कदमों में हाजिर हो जाऊंगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है हिरन मैं तेरी सिफारिश तो करता हूँ लेकिन तू वापस आ जाएगी ना, तू आ जाएगी ना, तू वापस आ जाएगी। हिरन कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका वादा करूं कौनैन के वाली से वफा ना करूं, हो नहीं सकता, आपसे वादा है वापस आ जाऊंगी। वो हिरन वहां से जाती है पहाड़ी की तरफ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार क्यों कर रहे हैं, उस हिरन के मालिक के पास खड़े इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे आका हिरनी के लिए भी रहमत है, उसके मालिक के लिए भी रहमत है, उसके मालिक के लिए भी रहमत है। वादा किया है उस हिरनी ने, हिरनी जाती है, लौट कर आती है, टांगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यूं फैला देती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी गुलाम हूँ, हाजिर हूँ, वापस आ गई हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इसने मुझसे वादा किया था, वादा वफा किया, अब मैं तुझे कहता हूँ क्या तू ये हिरनी बेचता है, मुझे बेचेगा? उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका हम आपके, हमारा माल आपका, आप ले जाइए, ये आपकी है। मेरे आका ने फरमाया तूने मुझे हिबा कर दी, तूने मुझे दे दी, है हिरनी जा, अब मैं तुझे आजाद करता हूँ, अब मैं तुझे आजाद करता हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरन को आजाद किया। जब हिरन को आजाद किया, हदीस के अल्फाज हैं, हिरन जब वहां से जाती है तो अपने पांव जमीन पर मारती है, अपने पांव जमीन पर यूं मार रही है गोया के हिरन रक्स कर रही है, रक्स करते हुए कि आज मेरा सौदा बाजार मुस्तफा में हुआ है, आज मेरा सौदा बाजार मुस्तफा में हुआ है, आज मुझे कौनैन के वाली ने खरीदा है, खरीद के आजाद किया है। हिरनी कह क्या रही है, हिरनी अपने पांव जमीन पर मार के रक्स करते हुए मौज में कह रही है, गोया की कह रही है ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, चोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, या रसूल अल्लाह हम भी आपके गुलाम हैं। हिरनी रक्स कर रही है, रक्स करते हुए हिरनी कहती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। अरे मैं भी गवाही देती हूँ, मैं भी गवाही देती हूँ जिस कौनैन के वाली को हिरनी के बच्चों की भूख और प्यास का दर्द है, वो दहशत का पैगंबर नहीं हो सकता, वो दहशत फैलाने वाला नहीं हो सकता। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। अरे मैं हिरनी होकर समझती हूँ ये पैगंबर अमन है, ये पैगंबर आशिकी है, ये पैगंबर मोहब्बत है, ये पैगंबर रवादारी। मैं पूछना चाहता हूँ उस हिरनी को किसने बताया, उस हिरनी को किसने बताया कि हुजूर हिरनी की बोली समझते हैं, किसने बताया, किसने बताया होगा? अगर हुजूर फकत हमारी तरह है, हिरनी को कैसे पता चला कि हुजूर हिरनी की बोली समझते हैं? मुझे कहने दीजिए, अगर चार टांगों वाला जानवर समझ सकता है कि हुजूर सब बोलियां जानते हैं, इस दो टांगों वाले इंसान को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? जो कहता है हुजूर नहीं जानते, नहीं पहचानते, कोई बोली नहीं समझते, फकत अरबी समझते हैं, अरे इन जानवरों से सबक हासिल करो, ये जानवर भी जानते हैं कि हुजूर जानते हैं, ये जानवर भी मानते हैं कि हुजूर जानते हैं।